ये दिन क्यों निकलता है, ये रात क्यों होती है, ये पीड़ कहाँ से उठती है, ये आँख क्यों रोती है, मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, सब लोगों का स्वागत है आपके अपने पेज और चैनल। आप एक मात्र ऐसे गीतकार हैं जिनको राज कपूर जी की फिल्मों में फिल्मफेयर अवार्ड मिला है गीतकार के लिए। अच्छा, कौन से गीत के लिए मिला है बताऊं? हाँ बताओ। मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ, ये कैसे गीत लिखा हमें भी सुनाओ। आज इसी गाने से गाने के लिए कुछ ऐसा प्रश्न लेके है कि बैठी हूँ। हम जी मतलब लक्ष्मी जी के यहाँ मेरा बहुत टाइम कटता था, जी रवि। तो कुछ शब्द होते थे जिनको वो बहुत प्यार करते थे। बोले ये आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कथक, जैसे कशिश, अच्छा। ये सब मतलब मेरी उनकी इतनी खुलती कि गप्पे मारते हुए हम गीत बना लेते थे। अच्छा। स्टैंडर्ड तो खास तौर से बनते थे, मुखड़े पे जरा सा वो होता था, लेकिन स्टैंडर्ड तो फटाफट। यहाँ तक कि मैं जब दिल्ली में रहता था, टाइम नहीं मिलता था मुझे, तो वहाँ से फोन आता था और फोन पे रहा हम गीत बना लेते थे। अच्छा, इतना आपका मतलब एक ट्यूनिंग बहुत थी ट्यूनिंग, कि फोन पे भी गीत बनाए हैं। हाँ कई बनाए। तो अब ये गीत था तो लीलो, एक त्रिशूल फिल्म आई थी। अमिताभ जी, संजीव हाँ कुमार जी, हाँ यश हाँ चोपड़ा जी की थी। हाँ तो उसमें एक गीत था, मोहब्बत बड़े काम काम की चीज की है। चीज है। तो इसको लक्ष्मी बोले कि ये मुझे बहुत पसंद है। लक्ष्मी बहुत दिल के अच्छे आदमी, अच्छा। और चेहरे से भी इतने गोरे थे लक्ष्मी जी हाँ, कि मैं तुमसे कह नहीं सकता, बेहद सुंदर मुझे आदमी थे। इतना याद है वो पान खाते थे तो होंठ हाँ, एकदम लाल लाल एक के पान रहते थे। खुद खाते थे, हाँ, एक मुझे खिलाते अच्छा, थे। दोनों की यहाँ भी जोड़ी बैठती बहुत थी। यहाँ तक के औरों के गीत जो बनते थे हाँ, वो भी मुझे सुनवाते थे, अच्छा। हाँ मैं नाम नहीं लूंगा इस हाँ टाइम। हाँ तो हाँ उन्हें मेरे पे बड़ा है, मुझे देख के मुस्कराते ही रहते थे, कभी मैंने उन्हें गुस्से में नहीं देखा अच्छा, ना तभी तो नाम उन्हें। भी था लक्ष्मी, लक्ष्मी हाँ अंकल। वो दिवाली के दिन पैदा हुए थे अच्छा, इसलिए उनका नाम लक्ष्मीकांत जी था। और लक्ष्मी आप होली के दिन पैदा हुए थे, बताइए, यहाँ पर भी होली का। दिवाली। हाँ खास होली के दिन पैदा हुआ था। अच्छा, हाँ जी, तो ये गीत जो था हाँ ये बार बार मुझसे, मैंने कहा यार लक्ष्मी जी इसे बार बार दोहरा रहे हैं तो कुछ कर। अलग करो। हाँ ये तो मेरी आदत है। अच्छा, आपके जो गीत थे, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा काट हाँ रही हूँ, फिर आप हम बातों को आगे बढ़ाएंगे। आपके जो गीत थे डैडी, हाँ मुखड़े जो थे बिल्कुल हाँ अलग होते थे। लुई शमाशा उई, हाँ ये मारा तो ठुमका बदल गई चाल हाँ मितवा। ये तो मतलब इस तरह से है हाँ कि इनका अर्थ, इसका कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल सरल भाषा के गीत हुआ हाँ करते थे। म्यूजिक वो तो हमको ऊपर से कुछ मिला हुआ है, है ना। हाँ साहित्यिक हो जाएगा हाँ जो आम लोगों तक नहीं पहुंचा। हाँ आपका गीत तो, आपके कोई भी गीत उठा लें, उसको एक ऊपर के तबके से लेके एक नीचे रिक्शे वाला तक गाता गुनगुनाता चलता है। मैंने अभी पीछे कितने परिक्रमा में भी देखा था, वो आवारा भी एक बंजारा लगातार वो गाए, चला रहा था कोई बात नहीं। रिक्शा। अच्छा, मोहब्बत बहुत बड़े बड़े काम काम की की चीज़ चीज है, है। गुनगुनाते थे। तो कुछ मेरे अंदर आया, मैंने बस, और लक्ष्मी जी इसके दीवाने हो। अच्छा। पहले ये क्रांति में था,
अच्छा, इसकी सिचुएशन पहले से थी प्रेम रोग में या नहीं, गीत नहीं, पहले लिखा गया है? ये गीत तो बहुत पहले लिख दिया गया। अच्छा अच्छा, फिर लक्ष्मी जी चाहते थे इस गीत को और मैंने राज कपूर से ये कह दिया मनोज जी से पूछ लो बस यही सब। अच्छा अच्छा अच्छा, लक्ष्मी जी ने इसकी कई तरह बनाई। अच्छा, कई ट्यून बनाई। तो खैर हमने ये लिख दिया जी। लिखने के बाद लोगों के सामने आ गया और मजे की बात ये है कि मुझे जो ये दो नॉमिनेट तो मैं बहुत बार हुआ लेकिन मुझे मिला ये दो बार। अच्छा, बधाई की बात यह है कि जब मुझे मिला तो डायरेक्टर को उस फिल्म के भी तब मिला। अच्छा, ये मतलब कि कोई इंसिडेंस या कुछ अजीब बात है? हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मैं ना भूलूंगा, पे मुझे मिला और आदरणीय मनोज कुमार जी को मिला डायरेक्टर के लिए। हाँ, और प्रेम रोग में मुझे मिला तो आदरणीय राज कपूर जी को भी मिला। हाँ, ये अजीब संयोग है। कोई प्रयोग नहीं है। और यही असली सम्मान और यही अवार्ड है जब पता नहीं होता है। अच्छा, जब गाना जैसे आया था तो ये गलियां ये चौबारा पे लगता था कि फिल्म फेयर मिलेगा या इस गाने की प्रसिद्धि, क्योंकि वो उस गाने की जो प्रसिद्धि थी वो महिलाओं में, लेडीज संगीत में, शादियों में एक अलग आज तक उसकी प्रसिद्धि है और जब तक दुनिया रहेगी वो गीत शादियों का एक अलग गीत रहेगा। तो क्या लगता था कि मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा दिमाग में था? नहीं, मैंने सोचा ही नहीं था। नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा सोचा ही नहीं था। मुझे पहले भी ये मैं ना भूलूंगा का भी मुझे नवभारत टाइम्स, तब तो अखबार थे, रेडियो भी बहुत कम था, इतना नहीं था, बस रेडियो सीलोन था और ये विविध भारती आ गया था। दिल्ली स्टेशन रेडियो पर जितना मैं बजाऊं अब तक भी, अब तक लोग बहुत प्यार करते हैं, लोग इतना प्यार करते हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। प्यार की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। गर्व के मारे मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, गर्व के मारे फिर मोटी हो जाती हूँ, डैडी पतले लगते हैं। अरे बच्चों के लिए मैं जो मेहनत करता था उस टाइम, और तुम लोगों को मैंने ऐसे देखा है, ऐसे बड़े होते नहीं, इसलिए तुम लोगों का बात से ज्यादा है। नहीं नहीं, आपसे बहुत ज्यादा। अच्छा, पर क्या है, कलाकार होता है। अच्छा, लेकिन मैं खेल क्या था, मुझे ताने भी घर से दिए जाते थे। क्या यही के शादी क्यों की? ये शादी क्यों की, ये तो एक बड़ी बात होती है, साथ रखना चाहिए। ये तुम्हें भी पता है, ये फैक्ट है, ये मैंने ताना सुना था। तो वहाँ पर मैं वो तो आता है, सारा सारा जो है अभी भी एकदम पकड़ी हो। नहीं, अभी भी कपड़े भी हम ही लाएंगे, अभी भी जो सब कुछ, अभी जाना है मार्केट, अभी डैडी की शॉपिंग होनी है। अच्छा, बात चल रही थी डैडी, गीत पे बात चल रही थी, बात में से बात निकलती चली जाती है। मैंने आपकी डायरी देखी थी, इस गीत के बहुत सारे अंतरे थे। बहुत सारे अंतरे थे, तो आपने अपने से सेलेक्ट करके उनको दिए थे राज कपूर अंकल को? मुझे जब आती थी ना रॉ आती है, बाढ़ आती है, तो मुझे अपना होश नहीं रहता। जब तक नहीं आती है मैं उन्हें भी मना करता रहता हूँ, और जब रॉ आती है तो एक नहीं अनेक वो आते हैं, उसे कौन कहते हैं, एंगल अंग्रेजी। आप हर दृष्टि से सोचिए, जीवन के भी हर अंग को आपको छूना चाहिए। हाँ, जब भी आप लिखे। हाँ, अब आजकल मैं नहीं लिख रहा हूँ तो मुझे ये लगता है तेरे कभी कुछ किया भी था, तभी तो मैं आपको यहाँ पे बैठा देती हूँ ना, और आप डांटते हो मुझे। तो बेटे और किसे डांटूंगा, नहीं हक है आपका, फिर भी मैं तो बैठाऊंगी। रिद्धिमा इधर आओ, ये भी गाना गुनगुनाती है। रिद्धिमा पूछो दादू से, कुछ कह रही थी कि दादू से मुझे कुछ पूछना है। बोलो बेटे। दादू, मेरा भी एक क्वेश्चन है कि जब आपने गीत लिखा था तब उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा था? मोहब्बत, ये बात मोहब्बत की परिभाषा, कोई परिभाषा नहीं है। जैसे उसने दिया, मतलब
जिंदगी की न टूटे लड़की का जो लास्ट रिश्तेदार है वो भी बड़ा अजीब है, उसके भी किस्सा बता दूं। वो रिश्तेदार का जिसे लता जी ने ये कहा था, बोले राइटी जी से कहते हैं, तो दूसरे दिन मतलब रिकॉर्डिंग होनी थी और बड़ी रिकॉर्डिंग थी, जैसे उसमें भीड़ जुटी थी प्यार का नगमा पे, अच्छा, ऐसे ही इसमें। तो वहाँ पर मुझे मनोज जी प्यारे भाई के घर ले गए, मुझसे बोले कि चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर था फ्लैट को, मैंने कहा आप हो आइए। मेरे दिमाग में तीसरा स्टैंडर्ड चल रहा था, ये ऊपर गए बातचीत करके आए, इतने मेरा स्टैंडर्ड तैयार हो गया। अच्छा, लाख गहरा हो सागर तो क्या प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, दिल की दीवानी हर बौंद पर आसमानों का पहन। उस टाइम मनोज राज कपूर भी चाहे एडिटिंग हो चाहे, तब बोले कि एडिटर बनना बहुत मुश्किल है, जॉइनर तो बन सकता है यार। ये मुझे अब पता चल रहा है। हाँ, अभी 5-6 साल से जब से मैंने शुरू किया तो, और आप कहते हैं तू एडिट किया कर। हाँ बिल्कुल, तेरे पास है, तेरे पास डायरेक्शन का भी है, लेकिन हम लोग यहाँ हैं। हाँ, और मैं उसमें तेरी वो भी कर सकता हूँ जो मैं, आप ही करते हो अब भी, आप ही करते हो आज भी, जो वीडियो चलती है उसमें डैडी का ही पहले बता देंगे ऐसे करना है ऐसे करना है, यहाँ तक कि अगर कहीं जाते भी है तो पहले बता देंगे ऐसे ले लेना वीडियोग्राफी ऐसे कर लेना। सच्ची बता रही हूँ मैं बिल्कुल आप लोगों को। हम रहते थे सिकंदराबाद में, बचपन मेरा बीता, शादी तक वही रहे। तो वहाँ पर एक चौबारा था। चौबारा मतलब क्या होता है? ऐसा है पूरे घर में एक मतलब छत के ऊपर एक चौबारा, एक कमरा होता है। ओ अब है वो बचपन का भी रहा, उसे बोलते चौबारा थे हम, ये गलियां ये चौबारा, तो हमने ये इसके मैंने इतने रिश्तेदार लिख दिए थे, ये गलियां उसके मोहब्बत क्या चीज़। हाँ मैंने देखी थी आपकी, बहुत सारे लिख डाले। तो ऐसा ही रहा, बहुत बड़ा तीर मार दिया, कभी मैंने गर्व नहीं किया। अच्छा, जब ये इसका फिल्म फेयर मिला, जब फिल्म रिलीज हो गई और इसका फिल्म फेयर का अनाउंसमेंट हुआ, तो दिल्ली में थे बम्बई में थे उस वक्त? दिल्ली था, दिल्ली में थे। तो तब तो इतना ना कोई सोशल मीडिया होता था ना कोई जिस तरीके से अब मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस तरीके से नहीं, तो कैसे पता कैसे चला था कि फिल्म फेयर मिला है? आप सुबह पढ़ रहे थे या किसी ने? सुबह वैसे भी तो लाइब्रेरी थे, हाँ, तो अखबार आते थे उनसे, मैगजीन आती थी, तो पढ़ता बहुत था मैं, बहुत तरह की चीजें पढ़ी। तो उससे जो है ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान ज्ञान कहीं से भी बढ़ सकता है। मैं जाने का नहीं, उन्होंने ही जोर दिया कि नहीं तुमको जाना चाहिए। मैं गया वहाँ लेकर वापस आ गया। बस हम तो जैसे फाटे खाते। और आज इन फिल्म फेयर के लिए आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग आते हैं स्पेशल इनकी पिक लेने के लिए, इनको हाथ में उठाते हैं जब भी दिल्ली। चलते चलते नए जो जितने भी गीतकार बन, क्योंकि सब आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, सब आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा एक बात मैं वीडियो के एंड में आप सबको बोल दूँ कि लाइव स्टार्ट करेंगे डैडी के साथ अब लाइव, क्योंकि आप सबको ही पता है पेज जो था बड़ा पेज नहीं, कोशिश करके भी रिवर्ट नहीं हो पा रहा, पर ही अब मिला करेंगे। डेली आपके कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि हमको संतोष आनंद जी से मिलना है एक बार। देखिए घर की प्राइवेसी होती है, मैं कई बार बता चुकी हूँ इस बात को। आपके लिए लाइव ऑब्सेशन इस पेज पे स्टार्ट करेंगे, जो भी प्रश्न पूछने हैं आप लाइव डैडी से पूछिए, आपका नाम लेके डैडी स्नेह के साथ आपको आशीष देंगे, ठीक है ना? पहले आपने सपोर्ट किया है, अब इस मंच को सपोर्ट करना है, चलते ही यूथ जुड़ा हुआ है। मैं यूथ से बहुत प्यार करता हूँ, भारत का भविष्य। एक बात कह रहा हूँ मैं, आजकल कविता से आप दूर होते जा रहे हैं, गीतों से दूर होते जा रहे हैं, उसके नजदीक आओ, गीत की एक तड़प होती है।
एक एक अलग से मतलब उसमें एक लहर सी चलती है बिल्कुल, और आप उससे जुड़िए, उसको अपने पास हो। चलते चलते मैं फिर से डैडी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि बड़ी जबरदस्ती से बिठाना पड़ता है यहाँ आपके सामने, बैठते नहीं है बहुत मुश्किल होता है। डैडी वो है, प्यार है जो हम लोगों को भी मजबूत करता है और हम डैडी को यहाँ पे बिठा लेते हैं। तो जब तक के लिए जय।